वन ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान, सेकेंड कोरिंथियंस वन चैप्टर्स, और फिर टू चैप्टर में जाना है, वन वर्स से फोर वर्स तक। वन चैप्टर फुल पढ़ना है और फिर टू चैप्टर में जाना है, उसमें से सिर्फ फर्स्ट फोर वर्स पढ़ना है, वन टू फोर वर्स। प्रोवर्ब्स 12 चैप्टर 13 चैप्टर, एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। दूसरे कुरंथियों की पत्री एक अध्याय, और फिर दूसरे अध्याय में जाना है, एक वचन से चार वचन तक पढ़ना है। नीति वचन 12 अध्याय और 13 अध्याय पढ़ना है। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं आप फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो प्यार आपने दिया है खुदा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धर्मियों के वंश में हमको लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा मार्गदर्शन करने वाला वचन रोज पढ़ने का तूने अवसर दिया, तुझे धन्यवाद करते हैं। हमको पवित्र आत्मा हमारे अंदर से इन वचनों के रहस्य भेद निकाल निकाल कर हमको देता है, और हम इसके द्वारा पालन पोषण कर किए जाते हैं। हमारी सेहत बनती है, हमारे मन और सोच बनते हैं, इसमें से हमारे फैसले बनते हैं, सब कुछ हमारा परमेश्वर तुझे महिमा देने वाला बन जाता है। हम सब कुछ में खुदा तेरा, केवल तेरा ही रूप धारण किए हुए हैं, हम अपने आप में मर चुके हैं। आबा फादर गॉड, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज ये वचन निश्चित और बढ़ाएगा हमें, और ज़्यादा उन्नति की ओर हमारी आँखों को खोलेगा, हमारे मन को भरेगा और मजबूत करेगा। नींव जो तूने वचन के द्वारा हमको दी है, उसमें और बढ़ोतरी हम देखेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा, तेरी रोशनी जो परमेश्वर उजियाला है, वो उजियाला हमारे अंदर अब और भरपूर कर, और ज़्यादा हमारे कमज़ोर करने वाली अवस्थाएं हटाकर हमको मजबूत अवस्थाओं की ओर लेकर चल, हमें मजबूती की ओर लेकर चल। हम जहाँ भी अभी तक बने नहीं हैं वहाँ पर हमको बना दे, जहाँ पर हम अभी तक घटना चाहिए लेकिन घटे नहीं हैं हमको घटा दे, जहाँ पर हमको होना चाहिए अभी तक अब हम वहाँ है नहीं, हमको वहाँ होने दे, हम में फिट एंड फिक्स कर सब कुछ। नासरी यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, हम अपना सब कुछ और सब कुछ में केवल तू ही को योग्य और सामर्थ्य मानते हैं कि हमको केवल तू ही बदल सकता है, और ऑर्डरलीनेस में, व्यवस्थितपन में लेकर आ सकता है। थैंक यू जीसस, जो परमेश्वर का आत्मा हमें तूने दिया। थैंक यू होली आबा फादर गॉड, हेवनली फादर गॉड, विद थैंक यू होली स्पिरिट, विद थैंक यू जीसस। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। दूसरे कोरिंथियों पढ़ रहे हैं, सेकेंड कोरिंथियंस, फर्स्ट चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, फिर सेकेंड चैप्टर में वन वर्स से फोर वर्स तक पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे, पॉल एनकरेज्ड अगेंस्ट ट्रबल, ही शोड द सिंसियरिटी ऑफ हिज प्रीचिंग। रिबांता शरबकासिया को बलरा हसा लहब को तीन रबहंतरा हल्लर बहासे कदकिन ब्रा शरबकासे। मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बैटल्स को जीतता है। अंधेरा हारा हुआ है, उजियाला जीता हुआ है। ये वचन पढ़ने के समय आने वाले सारे डिस्टर्बेंसेस को जीतने की ताकत तुझ में है खुदा, इसके लिए हम अपना सब कुछ तुझे दे देते हैं। पवित्र आत्मा, हमें जीत कर आगे लेकर चल। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमेन आमेन आमेन। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, पॉल एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय द विल ऑफ गॉड एंड तिमोथी आवर ब्रदर unto the church of God which is at Corinth with all the saints which are in all Achaia
Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer. Or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. And our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation. For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble, which came to us in Asia, that we were pressed out of measure above strength, insomuch that we despaired even of life, but we had the sentence of him of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead, who delivered us from so great a death, and doth deliver in whom we trust that he will yet deliver us. Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf. For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you world. For we write none other things unto you than what ye read or acknowledge, and I trust ye shall acknowledge even to the end, as also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus. And in this confidence I was minded to come unto you, before that ye might have a second benefit, and to pass by you into Macedonia, and to come again out of Macedonia unto you, and of you to be brought on my way toward Judea. When I therefore was thus minded, did I use lightness, or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea, yea and nay, nay. But as God is true, our word toward you was not yea and nay. For the Son of God Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yet and nay, but in him was yea. For all the promises of God in him are yea, and in him amen, unto the glory of God by us. Now he which establisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God, who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. Moreover, I call God for a record upon my soul, that to spare you, I came not as yet unto Corinth, not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy, for by faith ye stand. Chapter 2, 1 verse se 4 verse tak padhna hai. Introduction: the reasons of Paul's not coming unto them
of the excommunicated person, first verse, but I determined this with myself that I would not come again to you in heaviness. For if I make you sorry, who is he then that maketh me glad but the same which is made sorry by me? And I wrote this same unto you, lest when I come, I should have sorrow from them, of whom I ought to rejoice, having confidence in you all, that my joy is the joy of you all. For out of much affliction and anguish of heart, I wrote unto you with many tears, not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. कुरंतियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, पहले अध्याय को पूरा पढ़ना है और फिर दूसरे अध्याय के 1-4 वचन तक पढ़ना है। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे अभिवादन, पहले अध्याय पहले वचन से। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमोथियोस की ओर से परमेश्वर की उस कलिसिया के नाम जो कुरिंथोस में है, और सारे अखया के सब पवित्र लोगों के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उसे भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हालेलुया। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया। और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। 11 वचन से आगे, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। पौलुस की यात्रा योजना में परिवर्तन। 12 वचन से आगे, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है, वैसे ही। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। हालेलुया। इसी भरोसे से मैं चाहता था कि
पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले और तुम्हारे पास से होकर मकीदुनिया को जाऊं और फिर मकीदुनिया से तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदियों की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी तो क्या मैंने चंचलता दिखाई? ओके। या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ? ओके। परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानोस और तिमोथियोस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। हालेलुया। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। थैंक यू जीसस। 23 वचन से आगे पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। आमीन। दूसरा अध्याय 1-4 वचन तक केवल पढ़ेंगे। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। हालेलुया।